सनसनी ऑफ इंडिया। मैंने और एक लड़का और था, हम दोनों ने मारा था उसे बस। क्या बहन, उसको मारना नहीं था जान से भाई, उसे मारा मैंने रंडी को ऐसी ऐसी जगह, उल्टी सीधी जगह लग गई उसे छाती पे, और यहाँ उसके लात लगी तो खून जम गया, ऐसे वैसे मर। हम लोग क्यों, क्योंकि देख हमारे घर से, सबके घर से पैसा आ चुका था पुलिस वालों के पास, हम वो हमें कुछ कर नहीं सकते थे। ₹2 लाख देके छूटा हूँ, ₹2 लाख और 2 दारू की पेटी। अक्टूबर 2022 को नाबालिग सुंदर की हत्या कर दी जाती है, हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि वो हादसा था, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो हादसा नहीं, हत्या थी। जो मृतक उनकी माता जी हमारे साथ हैं, 17 तारीख को क्या हुआ था पहले हम उनसे जानते हैं। नमस्ते जी, क्या हुआ था 17 तारीख को? 17 तारीख को ये तो बेटा हमारे घर में ही सो रहा था, तो उसका फोन आया, मैंने कहा कहाँ जा रहा है, उसका फोन आया था, सनी का फोन आया था। वो कह रहा सनी कौन है? सनी उसका दोस्त है, सुंदर का दोस्त। सुंदर का दोस्त, हाँ। कह रहे मम्मी दोस्त का फोन आया, सनी ने ऊपर बुलाया बात करने के लिए, ऊपर छत के ऊपर। अभी हम वो छत भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर सनी ने सुंदर को बुलाया था। 17 अक्टूबर 2022 को थाना अमर कॉलोनी के गली इलाके में नाबालिग स्कूली छात्र की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने उस समय मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया था, किंतु मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने डॉक्टरों की एक टीम बुलाकर बिना पोस्टमार्टम कराए मौत को हादसा बताया था। उस समय 102 नंबर पर कॉल हो जाने की वजह से थाना प्रभारी ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया था, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आने का बहाना बनाकर आज तक FIR की कॉपी नहीं दी है। जिस हत्यारोपी पर कार्यवाही करने के लिए थाना अमर कॉलोनी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, आज हम आपको उसी हत्यारोपी का दिखाएंगे पूरा कबूलनामा। हमने जब सन्नी के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि हत्या वाले दिन पुलिस उसे उठाकर तो ले गई थी, किंतु कुछ दिन बाद उसे छोड़ दिया। सन्नी से सच्चाई निकलवाने के लिए हमारी न्यूज टीम ने उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, किंतु थाने से आने के बाद सन्नी ने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था। हमारी न्यूज टीम को पता चला कि सन्नी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहता है। हमने सोशल मीडिया से सन्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी। हमारी न्यूज टीम की मेहनत रंग लाई। सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान हत्यारोपी ने जहां अपने दोस्तों से बात करते हुए हत्या की बात कबूली, वहीं अमर कॉलोनी थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 29 अक्टूबर को सन्नी इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ लाइव हुआ। हमारी न्यूज टीम ने लाइव को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लाइव के दौरान सन्नी ने हत्या की बात कबूल की, आप भी देखिए लाइव के दौरान सन्नी ने क्या क्या कबूला। एक तो पैक है, मैं भी तो वैन जो पैक करके बैठा हूँ, एक को जब भी तो यहाँ बैठा हूँ, मैं साले घूम रहा होता भी गाड़ी में। मेरे साथ तो 4 बंदे थे, तो 4 छोटा, बिल्ली छोटा नहीं, बिल्ली नहीं था हमारे साथ यार, मैं था, सोनू था, मुमताज था, एक फरार था उसमें से, बाकी 4 अमजने बंदे थे अंदर, मैं था, मेरे साथ 3 बंदे थे, बाकी वो एक फरार हो गया था। हाँ, पर 3 बंदों ने कुछ नहीं करा था, मैंने और एक लड़का और था, हम दोनों ने मारा था उसे बस। बहुत गंदे ही मार दिया था, सुबह तक वो खत्म है, वो बाबे रात को ही खत्म हो गया था वो, हमें रात में खबर आ गई थी कि वो लड़का मर चुका है। पर फरार हो जाना चाहिए था रात ही में, बाबे फरार तो हो जाता, मैं दिक्कत हो जाती ना मेरी फैमिली को, इस वजह से मैं फरार नहीं हुआ। मैं जब जॉब पे गया, साढ़े मेरे को जॉब पे से उठा ला, मैं त्यौहार थोड़ी गया था। कहाँ था, थाने के अंदर? हाँ, मैं तो थाने में था। सब बोले त्यार सन्नी त्यार उतर गया। बाबे त्यार नहीं उतरा था, त्यार बच गया था, ₹2 लाख देके छूटा हूँ, ₹2 लाख और 2 दारू की बेटी। अमर कॉलोनी थाने में तो बैठा पड़ा था मैं। तारीख तो चलती होगी? तारीख अभी नहीं चलती कुछ भी, अभी थोड़ा मैटर शांत है। जिस बंदे को तुमने मार दिया ना, उस बंदे का मुझे, तू मर गया मैं, उसको मारना नहीं था जान से भाई, उसे मारा मैंने रंडी को ऐसी ऐसी जगह, उल्टी सीधी जगह लग गई उसे छाती पे, और यहाँ उसके लात लगी तो खून जम गया, इस वजह से मर गया भाई। चार दिन पैक रहा था मैं, वही 4 दिन अंदर ही बैठा पड़ा था, मैं था, मेरे 4 दोस्त थे। अमर कॉलोनी थाने में तो बैठा पड़ा था मैं, पर अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई, घर वाले आराम से खाना पानी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पहुँचा रहे थे, हम लोग अंदर बैठ के 4 बजे मजे ले रहे भाई, पी ले, हम पुलिस वालों से मुझे काट रहे भाई, पुलिस वाले से गांजे लेके पिया हमने, तेरा भाई अंदर ही मार रहा है थाने के अंदर बैठ के ऊपर कमरे में, 4 जने हम आराम से पेपर गिर रहे हैं मजे से। रिमांड रूम में ले गया होगा पिलाने के लिए,
नहीं बाबे, रिमांड रूम नहीं, एक रूम था उसमें हमें बंद, हम लोग रूम में बैठे हुए थे, फुल सोफा सेट हम लोग, क्यों, क्योंकि देख हमारे घर से सबके घर से पैसा आ चुका था पुलिस वालों के पास, हम वो हमें कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम लोग आराम से रूम में बैठ के भाई अपने मजे से दारू गांजे पी रहे भाई। सुना आपने, हत्यारोपी खुद अपना जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन थाना अमर कॉलोनी पुलिस अधिकारियों की काली करतूत से न्याय पर लगा रहा। अब हम आपको मृतक सुंदर के पड़ोसियों और दोस्तों से मिलवाते हैं, घटना को लेकर उनका क्या कहना है आप? ये मृतक सुंदर का घर है, ये उनके पड़ोसी का घर है, तो हम उनके जो पड़ोसी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस शाम को क्या हुआ था। जी नमस्ते जी, उस शाम को कुछ पता है आपको 17 तारीख को क्या हुआ था यहाँ पर? छत पर क्या हुआ नहीं हुआ वो नहीं जानते, पर ऊपर से हमें वहीं पर खड़े थे, दो चार बंदे और खड़े थे, पर आए वहाँ पर बड़ा गिर गए, तो उसको पापा उठाए, सबको हम लोग आवाज़ दिए, उसको मम्मी पापा घर से आए, उसको उठाए, उठा के पूछे क्या हुआ क्या हुआ, तो बोल तो नहीं रहते, मगर फिर भी उसको पानी उनी थोड़ा दिया तो बोला पापा मुझे बचा लो मार देगा सनी चाकू, दो बार बोले तो उसका दम समझो कि यही हो खत्म हो गया। अच्छा, वो किसी का नाम, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जो है शोर शराबा ऊपर हो रहा था, तो मैंने गया देखने के लिए, तो लड़का कह रहा पापा मुझे बचा लो सनी मार देगा। क्या लड़के का नाम क्या था, क्या नाम है आपका? गौरव पांडे सर। पांडे जी कहाँ रहते हो आप? मैं गड़ी में रहता हूँ। गड़ी में रहते हो आप, क्या काम करते हो? पेंट का काम करता हूँ। तो आप यहाँ फैमिली के साथ रहते हो? नहीं नहीं जी, फैमिली में नहीं रहती, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। भाई के साथ रहते हो, तो सुंदर के साथ जो हुआ था आपको पता है क्या हुआ था सुंदर के साथ? जी मेरे को मालूम चला, मैं वहाँ पर गया था, मतलब उसका देहांत हुआ था, मैं लोग गया दोपहर के टाइम, उससे मतलब वहाँ पता किया क्या हुआ क्या नहीं, तो मेरे एक फ्रेंड था जिसका नाम आसिफ है, और उसके मामा ने वो वारदात मतलब उसके साथ जो हुआ था वो देखे थे वो लोग, जो बंदे ने मारा सनी उन्हें मारा था उसको बता रहे थे, उनने मारा उसके बाद वो बेहोश हो गया था, उन लोगों ने छोड़ाया, उसके बाद डर के मारे वो लोग भी भग गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आने का बहाना बनाकर FIR की कापी के लिए पीड़ित परिवार को लगातार टाला जा रहा था। घटना को लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, पुलिस वाले पीड़ित परिवार को बार बार यही कहकर टाल रहे हैं कि FIR तो हो गई है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कापी मिलेगी। हमारे कहने पर पीड़ित परिवार ने दिनांक 1 नवंबर को लिखित में नाबालिग छात्र सुंदर सिंह की मौत के बाद दिल्ली पुलिस और अधिकारियों की चर्चा इलाके में जगह जगह हो रही है कि आखिर इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में पुलिस की मिलीभगत से 1 लाख से अधिक दिल्ली पुलिस के जवानों पर से आम लोगों का विश्वास उठना लाजमी है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि आम लोगों का कानून प्रशासन पर विश्वास बना रहे। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस, और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर, जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू, देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश, हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।